अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू के एफ रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए शानदार रेसिपी लेके आई हूँ, बच्चों की भी पसंदीदा और बड़ों का भी फेवरेट है। लीशियस मॉडल बट मेरे अंदाज में बनाया है बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स, क्रिस्पी सा लीशियस के अंदर लीशियस टाइप देखा था मैंने, मेरे बच्चों ने डिमांड किया था, तो आपके लिए लेके आ रही हूँ बोनलेस स्ट्रिप्स। ओके, क्रिस्पी क्रिस्पी यम्मी यम्मी स्नैक्स, समर स्पेशल। सो चलो देखते कैसे बनाते हैं बोनलेस चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स, क्रिस्पी किड्स स्नैक्स। ओके, रेसिपी पसंद आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स में लिखना जरूर मत भूलना। अगर मेरे वीडियो को नए आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। ओके, शॉर्ट्स, हाँ मेरे वीडियोस में मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, प्लीज प्लीज कीप सपोर्टिंग। ओके, अगर क्या बोलते हैं, मेरा वीडियो आने के लिए बड़ा, मतलब लॉन्ग वीडियो आने के लिए, फुल रेसिपी आने के लिए लेट होगा तो शॉर्ट्स डालूंगी। प्लीज शॉर्ट्स को भी सपोर्ट करना, लॉन्ग वीडियो को भी सपोर्ट करना। ओके, चलो देखते कैसे बनाते क्रिस्पी चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स मेरे अंदाज में। आज मैं चिकन से बच्चों का पसंदीदा स्नैक्स बनाने वाली हूँ। मैंने हाफ केज बोनलेस चिकन लिया है, चिकन ना के लंबे स्ट्रिप्स से काटा हुआ है। ओके, अच्छा वॉश करके रख लेना है। देखिए ऐसे लंबे पीसेस में काट लीजिए स्ट्रिप्स के लिए, ये मज़ेदार स्नैक्स है। चलो कैसे बनाते बताती हूँ। अभी इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की हूँ, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, बच्चों का पसंदीदा, और इसमें अभी 1 टेबल स्पून हंग कर्ड ऐड कर रही हूँ। हंग कर्ड ऐड करने के बाद अच्छा सा उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद देखिए अभी इसमें मैंने एक ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, वो 1 कप लिए हूँ। देखिए उसको ऐसा अच्छा स्प्रेड करके रख लेना एक प्लेट में। अभी मैं बनाने के वक्त ये बोनलेस चिकन में अभी इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, बच्चों के लिए टैंगीनेस आने के लिए, वो डाल के अच्छा मिक्स करने के बाद। और इसमें जाएगा थोड़ा सा स्लाइट स्पाइसेस, क्योंकि बड़ों को और बच्चों को पसंदीदा के लिए। देखिए मैंने अभी इसमें स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपर पाउडर लास्ट ऐड करने के बाद उसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी इवनली उसमें मिक्स होने के लिए। मिक्स होने के बाद देखिए स्पाइसेस मिलने के बाद ऐसा लग रहा है हमारा स्ट्रिप्स ये मज़ेदार स्नैक्स बनेगा ज़रूर। अभी मैंने एक अंडा लिया है, 1/2 केज के लिए 1 एग ली हूँ मैं, वो अच्छा बीट कर लेती हूँ कोटिंग के लिए। अभी इसमें क्या करूँगी मैं, देखिए अभी बोनलेस स्ट्रिप्स और ब्रेड क्रम्स भी मैंने लिया है, बच्चों को फेवरेट है ब्रेड और क्या बोलते हैं कोटिंग करके तल के दिए गए। तो अभी इसमें ये जो बोनलेस स्ट्रिप्स है मैं ढा रही हूँ, फर्स्ट कोटिंग ये ऑल पर्पस फ्लावर में लगा रही हूँ। लगाने के बाद एग में डिप करके ब्रेड क्रम से कोट कर लूँगी। देखिए मैंने डिप करके अभी ब्रेड क्रम से इवनली इसको कोट कर लूँगी। ऐसा कोट करके पूरा बना के रख लेना है, जितना हमको चाहिए उतना। देखिए कोट करने के बाद अभी इसको मैं पूरा चिकन इवनली ऐसे ही मिक्स करके रख ली हूँ। देखिए अरे बन गया है हमारा कोटिंग किया हुआ चिकन स्ट्रिप्स बोनलेस। अभी मैं ये गरम तेल में डाल रही हूँ। देखो डालते ही वो जो लुक है वो इतना मज़ेदार लग रहा है, स्मेल भी सुपर्ब से आ रहा है। इंशाल्लाह आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको बच्चे अभी ये वेकेशन के रज़ाएँ में हॉलीडेज़ में बहुत इंजॉय करेंगे ये स्नैक्स अगर बना के देंगे तो। देखिए कितना लीशियस चिकन जैसा दिख रहा है। लीशियस में हमने ट्राई किया था, मेरे बच्चे बोले मम्मी घर में होममेड बनाइए करके, सो मैंने होममेड बच्चों के लिए बनाया है। आप भी ज़रूर ये बनाइए। मेरा रेसिपी पसंद आ गया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। ये टेस्ट करके मेरा बड़ा सन बोलेंगे आपको कैसा लग रहा है करके। ये मेयोनीज में डिप करके अभी मेरा बच्चा टेस्ट करने वाला है, कैसा लग रहा है सन खा के बोलो।